मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू? होप यू आर फाइन एट योर प्लेस। सो लेट स्टार्ट टूडेज स्टडीज। क्लास UKG, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 3, लेक्चर 5, और टॉपिक है हमारा आज का भी तीन अक्षरों का जोड़। आज फिर हम पढ़ेंगे तीन अक्षरों का जोड़। उससे पहले हम अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करेंगे। नाउ ओपन योर प्रीवियस लेक्चर। तो आपने ये अपना प्रीवियस लेक्चर ओपन कर लिया, चलिए मेरे साथ रीड इट। पे वे ने पवन, चे मैं के चमक, गे गे ने गगन, ले है रे लहर, गे ले ते गलत, खे बे रे खबर, ने मैं के नमक, वे जे ने वजन। ये हमने अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लिया। चलिए नाउ ओपन योर न्यू पेज। ये आपने अपना न्यू पेज ओपन कर लिया। चलिए नाउ स्टार्ट योर वर्क। फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, छोटा सा वन। मैम डेली आपको दे बनाना ऐसे ही सिखाती है, आपको भी अपनी दे पे फॉर्मेशन पे फोकस करना है। दी ना के दिनांक, अभी साइड आप लिखेंगे ऐसे गोला बनाएंगे, के शे कक्षा डैश का ये कक्षा कार्य। लिख लिया आपने दिनांक और कक्षा कार्य। अब वन बॉक्स लीव करेंगे ऐसे स्टैंडिंग लाइन। दी ने दिन लिख लिया, फिर वन बॉक्स लीव करेंगे हम ऐसे स्टैंडिंग लाइन। देन कर ते, और ते पे बड़ी की मात्रा, तीन तीन अक्षरों, इसे स्मॉल कर देन बिग कर। स्लीपिंग लाइन ए शे रे अक्षरों का जोड़। तीन अक्षरों का जोड़, तो क्या पढ़ना हमें आज? तीन अक्षरों का जोड़। चलिए आज फिर हम कुछ नए वर्ड करेंगे तीन अक्षरों के जोड़ से रिलेटेड। चलिए वन बुक वन लाइन लीव करेंगे और यहां लिखेंगे आप दे, छोटा सा वन ऐसे कर दे मैं के दमक, दे मैं के दमक। इस साइड लिखेंगे आप मैं दे अगेन दे मदद मदद। अब यहां वन बॉक्स लीव करेंगे आप ऐसे गोला बनाएंगे के ले शे कलश, के ले शे कलश। अभी साइड लिखिए मैं है के महक, मैं है के महक लिख लिया आपने। अब यहां लिखेंगे शे, शे शलगम बनाएंगे से छोटा सा गोला, शे है दे शहद, शे है दे शहद। अब यहां लिखेंगे वे इसे गोला, वे जे
ने वजन वे जे ने वजन लिख लिया आपने। फिर अब यहाँ वन बॉक्स वन लाइन लीव करेंगे। थे के ने थकन थे के ने थकन। अब यहाँ लिखेंगे झे झे झंडा बनाएंगे से पहले से इमली फिर स्लीपिंग लाइन देन स्टैंडर्ड झे ले के झलक झे ले के झलक। अब आप यहाँ लिखेंगे ग्रे गे है ग्रे डैश का रिये ग्रे का रिये डैश कक्षा डैश का रिये कक्षा कार्य को दो बार लिख कर दोहराए और लिख कर दोहराए। ठीक है, एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करेंगे आप सभी। दे मैं के दमक मैं दे दे मदद के ले शे कलश मैं है के मह शे है दे शहद वे जे ने वजन थे के ने थकन झे ले के झलक। हो गया सबका? चलिए एक बार मैं बुक में से ये सारी पिक्चर्स आपको रीड कराऊंगी। ये देखिए, ये लड़का जो है ये वर्क करके ना थक गया है, थक ट्री के नीचे बैठ गया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, थक गया है तो थे के ने थकन। एक बार फिर से रीड करो, थे के ने थकन। और जैसे इस साइड ये देखो, ये लेडीज के गले में ये हार जो है ये बहुत चमक रहा है, तो इसको कैसे लिखें, चे मैं के चमक। ये देखिए, ये जो बच्चा है ना साइकिल चला रहा था और साइकिल से गिर गया, सिर्फ खड़ा नहीं हो जा रहा, तो ये वाला बॉय आकर इसकी मदद कर रहा है। क्या कर रहा है? इसकी मदद, मदद मीन्स हेल्प कर रहा है। तो इंग्लिश में इसको हेल्प बोलते हैं, हिंदी में मदद बोलते हैं। तो मदद कैसे लिखोगे आप, मैं दे दे मदद। अभी किसकी पिक्चर है इधर, कलश, कलश पूजा में भर के रखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, के ले शे कलश, के ले शे कलश। और ये क्या है, वजन, ये बहुत भारी है, वजन हो गया इसके अंदर, भारी हो गया, वजन हो गया। तो वजन कैसे लिखो, वे जे ने वजन, वे जे ने वजन। ये देखिए, ये फ्लावर है, फ्लावर से ना जो ये बी है ना, इसको खुशबू आ रही है, महक आ रही है। क्या आ रही है? महक। खुशबू भी बोलते हैं और महक भी बोलते हैं, तो महक आ रही है इसको, तो इसके पास आ रही है, तो कैसे लिखते हैं, महक, मैं है के महक। तो ये किसकी पिक्चर है, शहद की। किसकी पिक्चर है, शहद। शहद हमें किससे मिलता है, बी से। किससे मिलता है, बी से। तो कैसे लिखते हैं, शे है दे शहद। ये जो गर्ल्स है ना पर्दे के पीछे से देख रही है, झलक देख रही है, ये झांक रही है इधर से, देख रही है झलक। तो इसकी हमें थोड़ी सी झलक दिखाई दे रही है, गर्ल्स पूरी नहीं दिखाई दे रही है, तो इसको हम बोलते हैं झलक दिखाई दे रही है इसकी, झे ले क
के झलक झे ले के झलक। ये हमने सारे वर्ड्स रीड भी कर लिए और हमने पिक्चर्स के साथ भी इनकी पहचान कर ली बेटा। तो नाउ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो दैट इज इट दिस लेक्चर। गुड बाय।